સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો. બાબા રામદેવના પતંજલિ ગ્રુપ દ્વારા દેશમાં દિલ્હી અમદાવાદ બાદ વડોદરામાં વસ્ત્રો માટેના વિશેષ શોરૂમને બાબા રામદેવ દ્વારા ગતરોજ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. દીપ પ્રાગટ્ય કરીને બાબા રામદેવજીએ પોતાની પ્રોડક્ટ પતંજલિના શોરૂમનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. વિદેશી કંપનીના વસ્ત્રોની બરોબરી કરે તે પ્રકારના વસ્ત્રો પતંજલિના શોરૂમમાં મળી શકશે, જેના થકી બ્રાન્ડેડ વિદેશી વસ્ત્રોની બરોબરીના ભારતીય બનાવટના વસ્ત્રો ભારતીયોને મળી શકશે. મહેંગાઈ, બેરોજગારી, ગરીબી, હેલ્થ, એજ્યુકેશન, રિસર્ચ, વ્યક્તિ નિર્માણ, ચરિત્રમાન, રાષ્ટ્ર નિર્માણ, બ્લેક મની, કરપ્શન, કરપ્ટ સિસ્ટમ કો ચેન્જ કરકે ઇસ દેશ કો પરમ વૈભવશાલી બનાને કે લિયે ભારત કી રાજનીતિ હોની ચાહિએ. અભી હો રહી હૈ લેકિન ઇસ સમય રાજનીતિ મુદ્દો સે હટ કરકે વો જાતિ પર, ગોત્ર પર, માં બાપ પર, બેટા બેટી પર और आपस के छींटा कसी पर केंद्रित हो गई है. यह लोकतंत्र के लिए और भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए शुभ नहीं. बाबा, हम अच्छे शब्दों में नहीं, हम साफ शब्दों में जानना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम इंसान के लिए सच में काम कर रही है? देखो भाई, किसी राजनीतिक दल के बारे में मैं सीधी टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन इतनी जरूर कहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीयत, उनका नेतृत्व और नीतियां देश के लिए अच्छे हैं. उन्होंने 100 से ज्यादा बड़ी योजनाएं शुरू की, उसमें कामयाब भी हुए और कुछ में बहुत कुछ करना शेष है. उनकी मेहनत और नीयत पर शक नहीं लगता है, लेकिन करना बहुत कुछ बाकी है. अब इसमें उनकी पार्टी के लोग या पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मिल करके देश को आगे बढ़ाते हैं. अब उसमें उनको कितना सहयोग मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, कितना वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, आप सब लोगों के सामने 200 सालों से तो कोर्ट में धक्के खा रहे हैं और अभी भी वहां से कोई निर्णय हुआ नहीं है. और मुझे आगे भी लगता है कि जल्दी कोर्ट से कोई निर्णय आ जाएगा, ऐसी संभावना दिखती है. बाबा, प्रधानमंत्री जी से आपका अच्छा रिश्ता है, दोस्त जैसे है, आप उनको सुझाव देंगे राम मंदिर के लिए? इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 200 साल से धक्का खा रहे हैं और अभी भी कोई उम्मीद नजर आती नहीं है. अब इसके दो ही रास्ते, या तो लोग खुद मंदिर बनाना शुरू कर दें, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना है, या फिर संसद में अध्यादेश या कानून ला करके मोदी जी मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें. क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की केंद्र में मोदी जी की सरकार और अभी मंदिर नहीं बना तो शायद कभी नहीं बन पाएगा, तो अभी नहीं तो कभी नहीं. इसलिए मैंने कहा कि इस समय भी यदि मोदी सरकार ने मंदिर नहीं बनाया तो लोगों का बीजेपी से ही भरोसा उठ जाएगा. इसलिए ये बीजेपी के लिए, उनकी विश्वसनीयता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और अब इसके बारे में उनको खुद सोचना पड़ेगा, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी.